धर्म के प्रति जो हमारी एक भावना है वो भी बहुत ही गलित और बहुत ही दिशा भूल कर। आप घर में जाइए तो क्या सप्ताह चल रहे, हमारे यहाँ तो बड़ा है सप्ताह, सत्य नारायण। अरे भाई जब नारायण स्वयं सत्य, उसको सत्य काहे को लगा रहे, और तुम कर इतना रुपया दे दो तो तुम्हारे माँ को स्वर्ग मिल जाए। ये क्या मनी ऑर्डर से भेजने वाले? ठीक गांव में गए, उनका माता जी पैसे नहीं लेते, तो उसने मुझको 25 पैसे दिए। अच्छा अगर माँ को पसंद हो मैं 1 रुपया दे देती हूँ। मतलब दिमाग में भरा है कि आप भगवान को पैसा दे सकते हैं, भगवान के बैंक जानते हैं कि पैसा जानते हैं, उनको मालूम है क्या पैसा क्या चीज। इतनी हमारे यहाँ अक्षर शून्यता है, इस कदर हमारे यहाँ अज्ञान। धर्म में यह है कि भाई गए वहां पंडरी में गए, तम्बाकू खाते पंडरी पहुंचते, अरे ये विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण का स्थान है, अगर आप तम्बाकू खाएंगे तो श्री कृष्ण को तो बिल्कुल वो पसंद नहीं, और वहां जाके आपकी खोपड़ी वो फोड़ देंगे वहां बड़वे लोग, और उसके बाद कहेंगे कि वाह वाह क्या इनकी स्थिति हो गई, पागलों जैसे घूम रहे, मैंने इनको उन्मनी लग गया। उन्मनी का अर्थ जानते भी हो कि नहीं जानते? पागल जैसे घूम रहे रस्ते में भीख मांग रहे, उन्मनी लगे। और ये लोग भीख मांगते हैं जो हरे रामा हरे कृष्णा करते फिर रहे, अरे जो कुबेर है उसके शिष्य होकर के उसका नाम लेकर भीख मांगते हैं, शर्म नहीं आती तुमको? ये श्री कृष्ण का मान समझ में नहीं आता। मुझे तो रामदास स्वामी के जैसे गालियां भी नहीं आती, मुख्य जैसे मेरे पास शब्द भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह से इन चीजों को इतना उस पर आघात किया है और तब से करते आ रहे हैं, उसका कोई असर नहीं। कोई भी बाबा जी आ गया, कोई भी गुरु जी आ गया, बैठ गए उसके साथ, अंगारा लगाने लगे शहर में तक। तो शहर में ऐसे भी लोग हैं कि जो धर्म के प्रति ये सोचते हैं कि बस जाके रोज मंदिर में जाके घंटा बजा के लोग खत्म, आपकी सारी आध्यात्म की जो प्यास है वो खत्म हो गई। या किसी दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आपने कोई पूजा वूजा करा दी तो हो गई आपकी खत्म, इति श्री जिसको, उसके बाद क्या जरूरत है? हम तो बहुत धर्म करते हैं, इनका कौन सा धर्म करते? रोज मैं पारायण करता हूँ, रोज मैं पढ़ता हूँ, क्या तो कह लेंगे गुरु महाराज और पेट में तकलीफ। गुरु का स्थान तो पेट में है, फिर आपको तकलीफ हो? इस पर कोई सोचता भी नहीं। और जब मेरे पास आएंगे तो कहे माँ हम तो इतने भगवान के मंदिर बनाए, हमने इतना ये किया, तो भी देखिए हम इतने कैसे। मैं कहती हूँ कि सब गलत काम कर दिया आपने, अभी आपका तो कनेक्शन ही नहीं हुआ इसका। अगर कनेक्शन नहीं हो तो मैं इसमें बोलूं तो आपको सुनाई देगा? टेलीफोन का कनेक्शन कर लो फिर टेलीफोन करो। एक सीधी सी बात है कि हमारा उससे संबंध ही नहीं हुआ, और हम चाहते हैं कि हम जो परमात्मा से कहते हैं वो सुने और फौरन दे। जैसे कोई हमारे जेब में रखा है भगवान, लेकिन जब संबंध हो जाता है, जब आपका परमात्मा से संबंध हो जाता है, तब आप जान सकते हैं कि आप में क्या दोष है और औरों में क्या दोष है। पर तब आप दोष इस तरह से नहीं कहते कि इनको ये पागल है या ये बड़े उजोर है, ये बदतमीज है, ये नहीं कहते आप क्या कहते हैं कि इनका आज्ञा चक्र पकड़ा, और खुद आप आकर उसे कहेंगे मां मेरा आज्ञा पकड़ा मुझे ठीक करो। खुद आकर आप मुझे कहेंगे, क्योंकि आप अपने बारे में जानने लगते हैं। यही अपने बारे में जानना ही सेल्फ नॉलेज है, यही आत्मदर्शन है। पर इसके साथ ही साथ आप औरों के बारे में भी जानो, इतना ये महान प्रचंड कार्य। आश्चर्य तो यह है इस भारतवर्ष में, जहां पर की कुंडलिनी के बारे में नानक साहब ने और कबीरदास बहुत कुछ कहा, वल्लभाचार्य
वैष्णव धर्म कहाँ है, वो सब कुछ पटिया मेट हो गया और ऐसी जगह में पहुंची जिसे कहते हैं रशिया, जहां पर कि कुंडलिनी का तो नाम छोड़ो, भगवान का भी कोई नाम नहीं लिखा, ना जाति ना पाति ना जा कोई धर्म ना कुछ ना कुछ। और आप हैरान होंगे कि 16,000-14,000 से कम लोग नहीं आ रहे, और वहां 400 डॉक्टर सहयोग कर रहे हैं, आप पता कर लीजिए मैं झूठ बोल रही हूं, और 200 साइंटिस्ट बैठे करें वहां, साइंस मत बताना, साइंस बहुत कम, वो पराकोटी को चले गए, उन्होंने मांग ली सारी मर्यादाएं और अब कहते कि इस दिल्ली से हमें हटाओ, इस थ्रेशोल्ड से हमें हटाए और हमें ले चलिए वहां जहां पर आध्यात्म का प्यार और आध्यात्म की मिठास ये सब कुछ। जब ये आपके कल्याण के लिए, जब आपके ये हित के लिए, और आप देख लीजिए इन लोगों को कब इतना दीजिए, और जब इसको पाते ही आपको कोई शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि, कोई तरह की व्याधि नहीं हो सकती, जब आपके बच्चे और आपकी गृहस्थी ठीक हो सकती है और सारा संसार जिससे ठीक हो सकता है, और जिसके लिए आपको कुछ प्रयत्न करना नहीं, आपको कुछ पैसा देना नहीं, तब फिर आप इसे क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते। इस मनुष्य की बुद्धि को समझना बहुत वही रशिया के लोग बस एक बार पाया जम गए, अब उधर देखना नहीं, हमको यही चाहिए, अब हमें शांति सुकून मिले, इस शांति में हमें बैठना, हमें कोई चीज नहीं चाहिए। इस कुंडलिनी का जागरण क्या मैं थोड़ी पहली मर्तबा कर रही, औरों ने भी किया, लेकिन तब ये और अब में एक ही फर्क है कि ये जागरण पहले एक दो ही लोगों का होता, क्योंकि इस जीवन के वृक्ष में एक दो ही फूल लगते, आज हजारों फूल लगे हुए और हजारों फूल फल हो सकते, ऐसा समा है और इसके बारे में पहले से भविष्य है कि ऐसा समा आ गया जहां हजारों लोग इस चीज को प्राप्त करें, तो क्यों नहीं इसे प्राप्त किया जाए, किस लिए इसमें पीछे हटना, मेरे ख्याल से समय कुछ चुनता है। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन हमारे अंदर में ही घटित होने वाला है और उसके बाद देखिए क्या मजा आता है और आप क्या हो जाते, कितने शक्तिशाली, कितने प्रभावी और उतने ही स्नेहमय, उतने ही प्रेममय। जितनी शंकाएं वो सब एक साथ गिर जाती, आप बहुत बड़ी सोच, ये लोग जो प्रदेश से आए हैं तो सोचते हैं कि महाराष्ट्र में पैदा हुआ माधवी मारे कोई कभी बड़ा ही पुण्य आत्मा। वाकई में आपको पता नहीं, अभी हम एक जात में गए थे तो उन्होंने पैर नहीं छुए, बस बाकी तो इतना मान किया वहां के देहातियों का, तो जैसे कि महान पुण्यात्मा। मैं तो देखती रहे, मैं तो क्या कहे अपने देशवासियों की बुराई से क्या था, तो मैंने कहा कि सर तुमको क्यों लग रहा है, माँ ये महाराष्ट्र है, यहाँ तो सारे विश्व की कुंडलिनी, इस देश में जन्म लेने के लिए तो इन्होंने बड़े ही पुण्य किए होंगे, पूर्व जन्मी आमी बहुत पुण्य के लिए, हमने इन्होंने बहुत ही पुण्य किया जो इस पुण्य भूमि में नहीं जन्म लिया, लेकिन हम लोगों ने इतने पुण्य नहीं किए इसीलिए इन गंदे देशों में हमने जन्म किया। तो ये मैं कहूंगी कि हम लोगों को भी अपनी पूरी पहचान नहीं, अपने को जानना है। कभी कभी मैं एक किस्सा सुनाती हूँ कि एक टेलीविजन का डब्बा आप देहात में ले जाए, कभी देखा ही नहीं, और कहो कि इसमें सब तरह के गाने और सब तरह के चित्र आएंगे, वो गंग एक ये डब्बा है इसमें क्या आने वाला है, क्यों बेकार पूरा टिकट। इसी तरह हम अपने बारे में सोचते हैं, हाँ हम एक इंसान है बस और क्या है, लेकिन जब उसका कनेक्शन लग जाता है
तो आप देखते हैं कि क्या कमाल की चीज बनाई। अरे जब मनुष्य इतनी कमाल की चीज बनाता है तो उसने कितनी कमाल की चीज आपको बनाया होगा। अपने को जाना ही नहीं, अपने को पहचानो और अपनी शक्ति को जानो। लेकिन सहयोग में मेरे लेक्चर में तो हजारों लोग आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बाद पर अपने नहीं।